धनबाद के कुसुंडा क्षेत्र के गोंदूडी खास कुसुंडा कोलरी के आउटसोर्सिंग आर पैच के दायरे में आने वाले बसेड़िया बस्ती के ग्रामीणों ने एक बैठक कर BCCL प्रबंधक को चेतावनी दी है कि उनकी बस्ती को जब तक एक साथ विस्थापन नहीं किया जाता, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे लोग परियोजना को चलने नहीं देंगे। वे सभी एक साथ नौकरी तथा वर्तमान बाजार दर से मुआवजा का भुगतान चाहते हैं। इस संबंध में वे आंदोलन को विवश हो जाएंगे। आपको बता दें कि GKCCR पैच का आउटसोर्सिंग के तहत हिलटॉप हाई राइज कंपनी का टेंडर मिला है। कंपनी ने पिछले दिनों अपना काम शुरू भी कर दिया है। बसेड़िया तिवारी बस्ती के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि प्रबंधन टुकड़े टुकड़े में जमीन लेकर पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देना चाहती है, जबकि वे सभी लगभग 80 घरों के ग्रामीण अपनी जगह जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। बावजूद प्रबंधक मात्र 4 प्लॉटों की जमीन के कुछ हिस्से को अधिग्रहण के लिए सूचना दी है। ग्रामीण इसे सही नहीं मानते हैं, इसलिए वो सभी अपनी विस्थापन को लेकर पूरे एकजुट हैं। उनका कहना है कि जब बस्ती के समीप खुली खदान की परियोजना चालू हो जाएगी तो वे सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। भारी विस्फोटक तथा आसपास के माहौल पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, इसलिए वे सभी प्रबंधन से अपनी मांगों के साथ पूरी तरह से विस्थापित होने के लिए मांग कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीण रैयत BCCL के CMD, DT, महाप्रबंधक समेत कंपनी के आला अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान चंद्र प्रकाश तिवारी, स्वामीलाल यादव, झंटू रवानी, महेश तिवारी, अशोक तिवारी, दीपक तिवारी, परितोष कुमार रवानी, चंडी चरण पाठक, विकास तिवारी, गिरधारी रवानी, रतन खानगो समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। पूरा गांव इस मुद्दे के लिए बैठे हैं। हम लोग BCCL पहल कर रही है जिन्हें हम लोग पूरा गांव लेंगे और हम लोग पूरा गांव देने के लिए तैयार हैं। एक कौन सा गांव है? ये बसेड़िया बस्ती गांव है। पहले इन लोगों का पॉलिसी था जब पार्ट वाइज हम लोग लेंगे, लेकिन कोल सेक्रेटरी विनोद तिवारी जी का एक बयान आया था मीडिया के माध्यम से, उसमें उन्होंने कहा जो कोल इंडिया वन गो के तहत खरीदारी करे उसी को लेकर हम लोगों ने CMD साहब से भी वार्ता की, जो CMD साहब यहाँ आए थे निरीक्षण करने के लिए, और DT साहब राकेश कुमार भी आए थे। ये हम लोगों ने पूरा गांव एक ही जोर लगाए जो सर हम लोग पूरा गांव देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप पहल तो कीजिए। तो उन लोगों ने GM से लेके आपका कोलियरी तक सब अधिकारी को कहा गया जी जब ग्रामीण जब देने के लिए तैयार है तो फिर पहल किया जाए। तो उसी में वो लोग फिर आ रहे हैं गाँव और हम लोग एक एक करके सबको धीरे धीरे अपना जो भी पेपर है गाँव का वो हम लोग देने के लिए दे रहे हैं, कागजात जमा कर रहे हैं उनको। कितने घर है, कितने आबादी है गांव में? मोटा मोटी 80 घर है और आबादी लगभग 1000 के आसपास है। क्या मांग रखे हैं आप लोग? मांग हम लोग रखे हैं जो वन गो के तहत पूरा गांव खाली करे। ये मान लीजिए आउटसोर्सिंग आया है तो उसको चलाना है, वो फिर बिंदास चलाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन BCCL जब तक हम लोग की रैयत को फैसला नहीं करेगा फिर हम लोग एक इंच चलने नहीं देंगे। क्या नाम है? महेश तिवारी। किस मुद्दे को लेकर बैठक? यहाँ पर कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 खास कुसुंडा गोंदूडी कोलिरी GKCC में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिस पेज का नाम है आर पेज। उसमें हम लोग का रेती जमीन आर पेज में पड़ रहा है, जिसमें यहाँ धनबाद का हिल टॉप कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है जो उसके द्वारा उसको ठेका मिला गया है, ठेका दिया गया है, वह कंपनी काम चालू कर दिया है। क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोग का है जो हम लोग यहाँ रैयत हैं, हम लोग को सबको नौकरी चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया बहुत बड़ा विशाल कंपनी है, रोजगार का सृजन है इसमें, इसीलिए हम लोगों को कोल इंडिया में नौकरी चाहिए घर वाइज। ये बस्ती कितने उस संख्या की बस्ती है, कितने लोगों का इसमें गांव का जो सर्वेक्षण किया गया है पिछला 2-3 दिन हो गया, जिसमें 79 घर है। कितने आबादी है? बोलिए। अभी इस पूरे गांव में जो है से बसेड़िया बस्ती में 80 घर है और 2 मोजा में जमीन पड़ता है, बसेड़िया मोजा 65 जो अंचल धनबाद है और छोटकी बुआ मोजा जो अंचल बागमारा है, 227 दोनों। हाँ, ये 227 है। क्या किसी अधिकारी से आप लोग की बात हुई? हम लोग का अधिकारी से बात हुई है, जैसे CMD से, अभी CMD आए थे स्पोर्ट में,
डायरेक्टर आए थे, और दूसरी बात है जो मैनेजमेंट से वार्ता चल रही है, और इसके पूर्व में हम लोग को 5 नोटिस भी किया है कुछ व्यक्तियों के नाम पर। क्या चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं जो सारा गांव एक साथ में उठे और सभी ग्रामीणों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, जो अभी का लेटेस्ट जो है से मने मुआवजा जो है वह मिले मार्केट रेट से, और हम सभी गांव वासियों को शहरी क्षेत्र में बस। ये सब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश तिवारी।